तो दीव भाजपाना चूंटणी कार्यालय खाते भाजपाना होदेदारों अने कार्यकर्ताओं द्वारा विजय सभा योजाई ज्यां फटाकड़ा फोड़ी विजय रेली नुं भव्य स्वागत करवामां आव्युं हतुं। बीजी तरफ दीव नगरपालिकाना नवनियुक्त प्रमुख अने उपप्रमुख ने पुष्पमाला पहेरावीने भव्य स्वागत नुं सन्मान करवामां आव्युं हतुं। तो आ साथे वडाप्रधान नरेन्द्रभाई मोदी जी, केन्द्र सरकारना गृहप्रधान अमित शाह, संघ प्रदेश प्रशासक प्रफुल्लभाई पटेल तेमज राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जीनो विशेष आभार मान्यो हतो। तेमज भाजपना होदेदारों अने कार्यकर्ताओं सहितना तमाम नाना मोटा स्थानिक कार्यकरो अने खास करी दीवनी प्रजानो हृदयपूर्वक आभार व्यक्त करवामां आव्यो हतो। आम संघ प्रदेश दीवमां दीव नगरपालिकानी चूंटणीमां 13 बैठकों पर भाजपानुं कमळ खीलुं छे। आम दीवना इतिहासमां प्रथम वक्त कोई पक्ष ने 100% सफलता मिली है। तो 15 वर्ष बाद सत्ता में परत फरनार भाजपे कांग्रेस पासे थी सत्ता छीनवी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ना सूत्र ने सार्थक राखीने महिलाओं ने आगू स्थान आप्यु छे, जेमा 2.5 वर्ष माटे महिला प्रमुख बनवानो निर्णय लेवायो हतो। आम दीवमां 4 ग्राम पंचायत, 1 जिला पंचायत अने 1 नगरपालिका छे। तो दीवनी जिला पंचायत में पण महिला प्रमुख तरीके कोळी समाजना अमृताबेन अमृतलाल छे, ज्यारे झोलावाड़ी अने वळांकबारामां महिला सरपंच छे। तेथी दीवमां महिलाओने भाजपा सरकारे आगवू गौरववंतु स्थान आपवा दीव नगरपालिका प्रमुख तरीके महिलानी वरणी करीने महिला प्रमुखनो दबदबो कायम राख्यो छे। आम भाजपमां बेवड़ी खुशीनो माहोल जोवा मळी रह्यो छे। एक तो 100% बहुमतीथी विजय थया छे अने 15 वर्ष बाद दीव नगरपालिकाने कोंग्रेसना हाथमांथी छीनवीने सत्ता उपर बिराजमान थया, जेने लईने दादरा अने नगर हवेली तेमज दमण दीवना तमाम अनुसूचित जातिना गामोमां आनंद अने उत्साहनो माहोल जोवा मळी रह्यो छे। तो दीव भाजपना चूंटणी कार्यालय खाते योजायेल विजय सभामां अंतर्गत दीव भाजपा अध्यक्ष बिपिनभाई शाह, महामंत्री मोहनभाई सहित दीव नगरपालिकाना नवनियुक्त प्रमुख उपप्रमुख तेमज काउंसिलरो द्वारा वडाप्रधान नरेन्द्रभाई मोदीजी, केन्द्र सरकारना गृहप्रधान अमित शाह, संघ प्रदेश प्रशासक प्रफुल्लभाई पटेल तेमज राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डाजीनो विशेष आभार मान्यो हतो। વધુમાં દીવ નગરપાલિકાની ચૂંટણીમાં સક્રિય રીતે રસ લઈ યોગદાન આપવા બદલ પ્રદેશ પ્રમુખ દીપેશભાઈ, પ્રદેશ પ્રભારી વિજયા, દમણ જિલ્લા પંચાયત પ્રમુખ નવીનભાઈ પટેલ, વિશાલ જિજ્ઞેશભાઈ પટેલ, બીએમ માચી, સંગઠન મંત્રી વિવેકજી, પ્રદેશ ઉપપ્રમુખ કિરીટભાઈ, જિલ્લા પંચાયત પ્રમુખ અમૃતાબેન, રામજીભાઈ પારસમળી, પૂંજાભાઈ બામણિયા સહિતના અન્ય તમામ નાના મોટા સ્થાનિક કાર્યકરો ખાસ કરીને દીવની પ્રજાનો હૃદયપૂર્વક આભાર વ્યક્ત કર્યો હતો। આજ દીવ નગરપાલિકામાં ભારતીય જનતા પાર્ટીની નગરપાલિકાની અધ્યક્ષ કે રૂપે અમારી બહેન પિંડતાબેન સદનની ઉપાધ્યક્ષ કે રૂપે હરેશભાઈ કાપડિયા કા आज यहाँ पे चयन हुआ है, तो उन दोनों का बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ। दीव चुनाव में इस नगर पालिका के लिए जनता ने हमें भारतीय जनता पार्टी को मिलकर के आशीर्वाद दिया, इसीलिए 100% यहाँ पे सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को चुनकर आई अध्यक्ष और उपाध्यक्ष भी बन गए हैं। इसके बाद ये पूरी काउंसिल सभी लोग मिलके दीव की जनता की सेवा में अथक प्रयास करेंगे। जनता की जो अड़चने हैं उसको समझ कर उसका सोल्यूशन भी निकालेंगे और उसी के साथ साथ देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने जो अनेक अनेक कल्याणकारी योजनाओं का निर्माण किया है, ये योजनाएं सब लोगों तक पहुँचे, जरूरतमंदों को उसका लाभ मिले, इसके लिए भी वो प्रयासरत रहेंगे। इस चुनाव में एक बहुत ऐतिहासिक बात हुई है, दीव की जनता ने पहली बार एक महिला को यहाँ पे अध्यक्ष बनाया है और उसी के साथ साथ जो उपाध्यक्ष बने हैं वो बहुत अनुभवी ऐसे उपाध्यक्ष हैं। दीव की जनता ने भारतीय जनता पार्टी पे जो विश्वास जताया है इसके लिए मैं जनता का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और उसी के साथ साथ पार्टी के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी ने जो हमें हमेशा मार्गदर्शन किया, यहाँ पे पूरा पार्टी का काम अच्छा चले इसके लिए बहुत बारीकी से उन्होंने ध्यान दिया और पार्टी के महामंत्री आदरणीय वीर सिंह जी ने संगठन खड़ा करने के लिए जो हमें प्रयासरत हमेशा के लिए रखा उन्होंने हमेशा ध्यान दिया, इसके लिए मैं उन दोनों का भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और जनता
ये बताना चाहती हूँ कि ये काउंसिल आपके लिए समर्पित है, आपके लिए काम करता रहेगा। दोनों अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का बहुत बहुत अभिनंदन। नमस्कार, मैं अमृता जी ने सुनूँ कि आज जो इलेक्शन था हमारा एनसी पार्टी का, जिसमें मुझे अध्यक्ष चुना गया है, तो उसके लिए मैं अपने प्रोफेसर का किया था ही हूँ, अपने किया था और अपने रितेश सर और हमारे लालू सर, विशाल सर, हमारे पी एम मासी सर, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने मेरी मदद की है, मुझे यहाँ तक पहुँचाया है। मैं उन लोगों का धन्यवाद अदा करती हूँ और मैं उनके जो उन्होंने मुझ पर विश्वास दिखाया है वो उनका विश्वास मैं कभी नहीं तोड़ सकती हूँ। उसी विश्वास के साथ मैं आगे बढ़ूँगी। और मुझसे भी काबिल लोग थे, लेकिन उन लोगों ने मुझ पर जो विश्वास जताया है उस विश्वास को मैं आगे लेके जाऊँगी और उन लोगों का विश्वास कभी नहीं तोड़ूँगी, ये मैं वादा करती हूँ। और मैं दिल की जनता का भी आभार व्यक्त करती हूँ कि उन लोगों ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया और मैं उन लोगों के विचार को आगे ले जाऊँगी और उनके हर एक कार्य में उनके साथ खड़ी हूँ, ये मैं वादा करती हूँ। जनता अध्यक्ष दीव जिला भारतीय जनता पार्टी, आज का दिन हमारा दीव जिला के लोगों के लिए और दीव जिला भारतीय जनता पार्टी के लिए तो बहुत ही बड़ा दिन है। आज हमारी म्यूनसिपाली में जो हमने 13 का 13 सीट जीते थे उसमें से आज प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट की नियुक्ति हुई है और मुझे बहुत खुशी महसूस होती है कि सालों बाद ऐसा कहिए तो नगर पालिका दीव में सबसे पहली बार एक लेडी हमारी बहन श्री अमृता बहन चुनी गई है और हमारे वाइस प्रेसिडेंट श्री हरेश भाई चुने गए हैं। वो दोनों को मैं बहुत बहुत पार्टी की ओर से अभिनंदन करता हूँ और आशा करता हूँ कि 15 साल के बाद जो भारतीय जनता पार्टी को दीव अर्बन एरिया में म्यूनसिपालिटी में जो सत्ता मिली है और बहुत ही अच्छा काम करेंगे और संगठन हमेशा उसके वो दोनों के और पार्टी के सभी काउंसिलर के साथ रहेंगे। और मुझे पक्का विश्वास है कि अगले 5 साल में जनता ने जिस तरह से हमारे ऊपर विश्वास करके जिस तरह से हैवी वोटिंग किया है उसमें सब लोग खड़े उतरेंगे। फिर एक बार सबको मैं अभिनंदन देता हूँ। मीनाक्षी गढ़वी, साथी लाइव 24 न्यूज़, दीव।